लोगों को यदि दो दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा? पहले आप बताइए संदीप। हम इस इंडिया को गरीबी को संभाल लेंगे। मतलब सभी को मतलब अमीर बना देंगे। अमीर कैसे आप बना दीजिएगा? 20 लाख रुपया आप लोगों को बिजनेस करने के लिए, तो आप लोग कौन सा बिजनेस करिएगा ये चीज़ बताइए आप। देखिए, अगर 20 लाख रुपया देगा तो कोई अच्छा बिजनेस करेगा, तो बिजनेस में प्रॉफिट में तो अभी हाल फिलहाल में शराब है। आदमी बनेंगे तो जान का परवाह नहीं करेंगे। जान का परवाह नहीं करिएगा। हाँ। देश को संभालेंगे। हाँ, देश को संभालिएगा। हाँ, मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे, वहाँ बॉर्डर पे जाकर। हाँ, जरूरी पड़ेगा तो फायरिंग भी करेंगे। हाँ, फायरिंग भी करना जरूरी है। हाँ। क्योंकि डरेगा नहीं तो भागेगा कैसे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है एकदम मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ मतलब दो फ्रेंड है, तो उससे कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं, तो चलिए इसे पूछते हैं। तो बताइए दोनों, आप 95 ढलानवे में से बड़ा कौन है? क्या 95 ढलानवे में से बड़ा कौन है? 99 ढलानवे ढलानवे, इसमें तो कोई अंक ही नहीं है। अंक कैसे नहीं है? अंक तो है तब ना, तो शब्द में लिखना पड़ेगा। शब्द में कैसे लिखेगा? इसमें कैसे पता चलेगा 99 ढलानवे 99? 99 ढलानवे में से तो पता चल रहा है हमको। तो कैसे कैसे आप लोग एक बार सोचिए। 99 है। 99 कैसे है? ढलानवे है। ढलानवे ढलानवे कैसे है? गलती है सब। तब क्या है बताइए एक बार, और सोचिए एक बार। 99 ढलानवे और क्या बोले? 99 ढलानवे में से बड़ा कौन है? 99 99 कैसे है? तो ये तो हमला, मेरा अनुसार तो 99 है, आपके अनुसार से क्या है? चलिए आप लोगों को बता ही देते हैं कौन बड़ा है। देखिए, 99 मतलब होता है 49, 99 मतलब होता है 99, ढलानवे मतलब होता है 00। ये तो टट्टी है। हम बोले 99 99 मतलब ढलानवा मतलब होता है 00। 99 सही है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। तो आप लोगों को यदि दो दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा? पहले आप बताइए संदीप। हम इस इंडिया को गरीबी को संभाल लेंगे। मतलब सभी को मतलब अमीर बना देंगे। अमीर कैसे आप बना देंगे? मतलब इतना दो दिन के लिए मतलब इतना रुपया छापेंगे कि सभी घर में दे देंगे। सभी घर उतना रुपया कैसे आप छापिएगा? अभी छापने को रहता तो हमारे पीएम जो मोदी है वो तो अभी छाप दिया होगा, तो अभी गरीबी दूर रहता हम लोगों का। वो इसलिए नहीं छापता है, सभी लोग जो इसी इधरे काम कर लेगा तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से जाएगा, इसीलिए वो कम छापता है। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। आप बताइए क्या करिएगा? हम तो पहले छापेंगे, इतना खाएंगे ये तो खाएगा इतना कि इंडिया को कंगाल कर दीजिएगा। इंडिया को कंगाल कर देंगे। चलिए अब आप बोलिए, हम लोगों को तो सवाल जवाब कर लिया, आप क्या कीजिएगा जब अगर दो दिन के लिए आपको पीएम बना दिया जाए? हम पहले पीएम बनेंगे तो हम पहले एरोप्लेन में चढ़ेंगे, क्योंकि हक दिया अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एरोप्लेन में चढ़ने का हमारा शौक है। उसके बाद देखेंगे पूरा इंडिया का शिक्षा नीति कैसा है, अस्पताल कैसा है, हॉस्पिटल वो कैसा है, उसके बाद राशन वासन कैसा है पूरा राज्य में देखेंगे, ये सब चीज़ देखेंगे। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए आप बताइए, आपको यदि सरकारी से मिलेगा 20 लाख रुपया आप लोगों को बिजनेस करने के लिए, तो आप लोग कौन सा बिजनेस करिएगा ये चीज़ बताइए आप। देखिए, अगर 20 लाख रुपया देगा तो कोई अच्छा बिजनेस करेगा,
तो बिजनेस में प्रॉफिट में तो अभी हाल फिलहाल में शराब है। शराब कैसे है? शराब तो बिहार में बंद है, शराब कैसे हो सकता है? दो चार पांच रोज पहले वीडियो बनाए थे 1.5 करोड़ का। हाँ, 1.5 अरब का। 1.5 अरब का। हाँ, तो उसी हिसाब से सोच रहे हैं अगर बिहार में मैं शराब का फैक्ट्री खोल दूँ 20 लाख रुपया का, तो कितना अच्छा से बिजनेस करेंगे और कितना कमाएंगे? कितना कमाइएगा तो मतलब 20 लाख रुपया दिया जाएगा तो आप दारू का फैक्ट्री खोलिएगा ना? तो वही कर देंगे हम बिहार में। दारू तो बंद है बिहार में, तो खोलिएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा, फिर से वो 20 लाख रुपया ले लिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा तब? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई बिहार सरकार करेगा। बिहार सरकार को आराम से उसको मना लेंगे। कैसे मना लीजिएगा? आपसे बिहार सरकार को थोड़े संपर्क है, 20 लाख रुपया में कैसे कॉन्टेक्ट होगा? कर लेंगे। आप थोड़े मुकेश अम्बानी है, उससे संपर्क हो जाएगा, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, आपको तुरंत जेल नहीं लिया जाएगा। देखा जाएगा, फिर दूसरा बिजनेस खोल देंगे। दूसरा बिजनेस खोल सकते हैं। दूसरा बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं? दूसरा बिजनेस मतलब कौन सा खोलिएगा, ये चीज़ बताइए। दूसरा बिजनेस में क्या खोलेंगे अब, इसके बाद उसमें नहीं होगा हासिल तो उसके बाद ही ना? नहीं होगा हासिल तो दूसरा बिजनेस कोई सा करिएगा ना, तो वो क्या सोचे हैं? कोई गैरेज वैरेज या कपड़ा और दुकान, चप्पल और का दुकान, ये सब भी हो सकता है बिजनेस। सब चीज़ तो बिजनेस है। बिजनेस तो बहुत अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार, किराना है बिजनेस, सब चीज़। यही सब में देखेंगे, कोई एक को चुनेंगे। हाँ, क्या मतलब एक चुनिएगा? अभी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? नहीं। आप क्या करिए? जैसे हमको झारखंड बंगाल इधर उधर से माल लेकर इधर सेलिंग करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। झारखंड मतलब दूसरे राज्य से? दूसरे राज्य से। आप मतलब झारखंड बंगाल से पहले बिहार में ही पड़ता है वो? बिहार में पड़ता है। झारखंड से जैसे अब की बार आम लाए हैं, इधर उधर बहुत हर अनेक प्रकार मतलब बहुत जगह फैलाए हैं, फारबिसगंज, झंझारपुर, सिमराही बाजार, सुपौल, सहरसा, इतना मतलब इधर बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह माल दिए हैं। तो वो तो छोटा मोटा काम हुआ, वो तो 1-2 लाख का काम हुआ, लेकिन आपको 20 लाख छोटा मोटा 7 लाख का एक कार्गो लोड करते थे। अच्छा, चलिए 7 लाख का, तो लेकिन 20 लाख रुपया दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा? वही तो काम थोड़ा होगा। हाँ, वही काम, दूसरा भी काम हो सकता है। दूसरा भी काम बहुत प्रकार का होता है। या मतलब जो काम कर रहे हैं वही काम को आप बड़ा कीजिएगा? बड़ा करेंगे। बड़ा करके मतलब ज़्यादा मतलब बिजनेस करिएगा पूरा? पूरा बिजनेस करेंगे। धकम फेल करेंगे। संदीप आप बताइए। चलिए चौथा सवाल के और बढ़ते हैं, तो पूछते हैं इसके मतलब चौथा सवाल में पूछते हैं इस सब को, कोई नौकरी दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा? जैसे चौकीदार हुआ, पुलिस हुआ, दरोगा, DM और IS और एक हुआ आर्मी, तो पहले आप बताइए, चौकीदार आप बनिएगा मतलब बना दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। रक्षा करिए मतलब देखभाल करिएगा। और क्या करेंगे? हाँ, वही काम ही रहता है चौकीदार का। रक्षा करना बस, मतलब पुलिस जो आता है मतलब जिसको स्टार लगा हुआ रहता है उसको सैल्यूट करना बस। हाँ, सैल्यूट करना है। हाँ, तो मतलब आपको पुलिस बना दिया जाए तो क्या करिएगा? पुलिस बना दिया जाएगा तो सही से ड्यूटी संभालेंगे। सही से ड्यूटी संभालेगा। हाँ, ईमानदारी पूर्वक। केस भी संभालिएगा ना आप? हाँ, केस भी संभालेंगे। केस भी कहीं पर हुआ लड़ाई झगड़ा तो वहाँ पर जाइएगा? जाना तो पड़ेगा ही। जाना तो पड़ेगा आप, क्योंकि दरोगा का आदेश रहता है। हाँ हाँ। तो आप आर्मी बनिएगा तो क्या करिएगा? आर्मी बनेंगे तो जान का परवाह नहीं करेंगे। जान का परवाह नहीं करिएगा। हाँ। देश को संभालेंगे। हाँ, देश को संभालिएगा। हाँ, मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे? वहाँ बॉर्डर पे जाकर। हाँ, जरूरी पड़ेगा तो फायरिंग भी करेंगे। हाँ, फायरिंग भी करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि डरेगा नहीं तो भागेगा कैसे। हाँ, हाँ, लेकिन अपना जान का परवाह तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, अपना देश को बचाने के लिए। तो संदीप आप बताइए, दरोगा बनिएगा तो क्या करिएगा? दरोगा? हाँ, देखिए दरोगा क्या काम होता है, आराम से गाड़ी पे आगे बैठना, बस आदेश देना पुलिस सबको, पुलिस को ऑर्डर देना, मतलब किसी देखता लुचा लफा को देखेगा तो उसको बोलेगा अरे जाके उसको पकड़ो, इसको हाँ, बोलेंगे हम पकड़ो मेरे साथ में रहेगा, इसको बोल देंगे पकड़ो, ये पकड़ के लाएगा उसको हम FIR कर देंगे। FIR वही लिखेगा? FIR हम लिखेंगे ना। हाँ, आप लिखेगा दरोगा बनिएगा तो। आप DM बनिएगा तो क्या करिएगा?
देखिए डीएम का कार्य होता है जो कहीं कहीं परीक्षा केंद्र होता है तो सेंटर पे जा करके चेक करना और जो चीट ईट करता है उसको पकड़ करके अंदर करना। अच्छा मतलब मैट्रिक का जो परीक्षा होता है कोई जो बच्चा पकड़ा जाता है चीट करने में डीएम जो पकड़ के ले जाता है तो कितना दिन के लिए रखा जाता है वो? पहले उसको ले जाता है उसके बाद उसको पहले पूछताछ किया जाता है छानबीन किया जाता है उसके बाद अगर सही होता है तो छोड़ देता है अगर गलत होता है तो उसको अंदर कर देता है। उसमें दिन का क्या है? तो चलिए डीएम तो हो गया, अब आईएएस बजा आईएएस बनिएगा तो आप क्या करिएगा? देखिए आईएएस नहीं होता है आईएएस। हाँ आईएएस मतलब शॉर्ट में मतलब फास्ट में कहता है तो आईएएस मतलब कहा जाता है बोला जाता है। आईएएस का एक ही क्या काम होता है? पूरा देश को चलाना। अभी जो इससे पहले आप वीडियो बनाए थे पीएम के, तो पीएम को एक आईएएस है जो उसको आवेदन लिख के देता है, तो सीएम को भी देता है, तब पीएम चलाता है इस देश को, मतलब शिक्षा नीति को भी चलाता है आईएएस। तो चलिए दोस्तों यही तक वीडियो रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।